हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पुदीना का पाउडर। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो जब भी गर्मियों के मौसम में पुदीना की पत्ती मिलती हो तब हम इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम रायते में या सैलेड में या पानी पूरी के पानी में कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंच पुदीना का पत्ता लिया है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है और सुखा लिया है। तो सबसे पहले इसका हम पत्ती को डंठल से अलग करेंगे। तो इस तरह से हम लेके इस तरह से पत्ती को तोड़ लेंगे और डंठल को हम साइड में रख देंगे। तो सारी पत्तियों को हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से आप इसे अलग करें, और अलग करने के बाद इसे हम माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी पत्तियाँ को अलग कर लिया है। इसे बनाने का दो तरीका है, तो इसे आज मैं आपको माइक्रोवेव में बना के दिखाऊंगी। और इन डंठल का कोई काम नहीं है, तो इसे हम फेंक देंगे। सबसे आसान तरीका है कि इसे हम माइक्रोवेव करें। और जिनके घर में माइक्रोवेव नहीं है वो इसे पंखे के नीचे 24 से 30 घंटे के लिए रख दें, इसी तरह एक सूती कपड़े से ढक के। तो ये अपने आप सूख जाएंगे, उसके बाद इसका आप पाउडर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको माइक्रोवेव में बनाना दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो इसे अब हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो मेरा माइक्रोवेव 900 वाट का है, इसीलिए मैं 3 मिनट कर रही हूँ। अगर आपका माइक्रोवेव 800 या 700 का है तो आप इसे 2 मिनट ज़्यादा करें। और 3 मिनट के बाद इसे हम, ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, तो 3 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा पलट लेंगे इस तरह से, ताकि दोनों साइड से ये सिक जाए। और 2 मिनट के बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे निकालने के बाद हम इस तरह से हाथ से इसे क्रश कर लेंगे। ये देखिए हाथ से ही आसानी से क्रश हो जाती है, तो आप इसे हाथ से क्रश कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इसे आप हाथ से ही क्रश करें। और हाथ से क्रश करने के बाद इसे हम एक छलनी से छान लेंगे, ताकि इसका बारीक पाउडर हमें मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से हाथ से क्रश हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब इसे हम छलनी में छान लेंगे, और छानने के बाद ये मोटा वाला जो पार्ट है इसे हम फेंक देंगे। और ये जो महीन पाउडर है हम इसे स्टोर करके बहुत दिनों के लिए रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं तो इसे आप 6 महीने से ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। इसे मैं प्लेट में रख के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।